हल्द्वानी की गफूर बस्ती में इन दिनों अजीब सा खौफ है। यहाँ रहने वाले 4,300 से ज्यादा परिवार अपने घर से बेदखल हो जाएंगे, इसलिए मुद्दा अब गहराता जा रहा है। शाहीन बाग की तर्ज पर यहाँ महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया है। जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सरकार से उन्हें बेघर न करने की मांग कर रहे हैं। शासन का कहना है कि ये जमीन रेलवे की है और इस पर अवैध कब्जा कर गफूर बस्ती को बसाया गया है। रेलवे की ओर से कहा गया कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया है। 27 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वन भूलपुरा में गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए थे। इसके लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया था, साथ ही बस्ती के लोगों से लाइसेंसी हथियार भी जमा कराने को कहा गया है। कोर्ट के फैसले के बाद जिस जमीन से कब्जा हटाया जाना है वहाँ करीब 4,000 परिवार है, जिनमें से ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, लिहाजा सियासत भी होने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी मैदान में कूद पड़े हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहाँ तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को, यहाँ पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही लोगों को। कोर्ट के फैसले के खिलाफ बस्ती के लोग जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही ज्यादा फोर्स के साथ ध्वस्तीकरण शुरू किया जाएगा। हल्द्वानी की गफूर बस्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा।